रही है बेसिकली फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली. मैंने ग्लोबिस ओवरसीज कंसल्टेंसी का वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखा था और वो वीडियो बहुत इम्प्रेसिव था. और मैंने नीरज कौशिक सर की जो कम्युनिकेशन थी वो देखी, उनसे सुनी कि वो बहुत अच्छा वीज़ा अप्रूव करते हैं और बात भी उनकी बहुत जेन्युइन लगी. तो आई सर्च आउट ऑन देयर वेबसाइट ऑल्सो एंड मैंने उनसे फिर फोनिक कन्वर्जेशन करी, फ़ोन पर उनको सब कुछ बताया बिकॉज मेरा यूके का रिफ्यूज़ल भी था पहले. तो उस रिफ्यूज़ल से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं मेरा लगेगा भी. और मैं दिल्ली में ही बहुत धक्के खाए, मैंने बहुत कंसल्टेंट से 2 साल से यही इन्हीं कामों में कभी इधर पैसा कभी उधर पैसा मेरा बहुत वेस्ट हो गया. फिर जब मैंने वो वीडियो देखा, वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी उसमें, और उसके बाद मैंने उनको डायरेक्टली कॉल करा. कॉल करने के बाद मैंने इनको सारा अपना प्रॉब्लम बताया एंड देन ही शॉर्ट आउट एट दैट टाइम. और फिर हमने सिर्फ सर से मैं 2 बार मिली. फर्स्ट जब तब जिस समय मुझे अपना पासपोर्ट उनको सबमिट करना था, और सेकेंडली आज जब मेरा वीज़ा लग गया है. तो मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरा यूके रिफ्यूज़ल था पहले. मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं लगेगा नहीं, यानी क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट ने बहुत बहुत कुछ कह दिया था और इन्होंने कोई चार्ज भी नहीं करा. बहुत सारे कंसल्टेंट बहुत बहुत चार्जेस कर रहे थे. फर्स्टली उनके चार्ज थे, देन वो कोई बात करते थे. सर ने इस तरीके का कोई भी बात नहीं कहा और उन्होंने डायरेक्टली बोला कि हाँ आपका यहाँ का हो सकता है, और सारी चीज़ बहुत जेन्युइन करी. बल्कि मैं तो 1-2 डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा घबरा भी रही थी क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था और मेरा गैप भी बहुत था स्टडी में. बट उन्होंने बहुत जेन्युइन तरीके से उसको फॉलो किया और जेन्युइन तरीके से उसको एम्बेसी में भी दिखाया. तो फाइनली आई गॉट माय वीज़ा एट लास्ट.